य नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे आज हम आपके समक्ष नवरात्रि का जो मनाने का या नवरात्रि व्रत के पालन की जो विधि है उसका शास्त्रीय वर्णन करेंगे जो ग्रंथों में और शास्त्रों में आदिकाल से जिस प्रकार से नवरात्रि विधि का जो विधान है व्रत का उसका यहाँ पर हम महाभारत के पराक्रमी और परमवीर योद्धा अर्जुन के वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की तेईसवीं पीढ़ी नरेंद्र सिंह तोमर आनंद अपने स्वर में यहाँ उच्चारण प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये जो शास्त्रीय विधान है ग्रंथों में जो वर्णित है उसे हम ज्यों का त्यों आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे और ये फिल्म योगेश्वरी के भाग के रूप में इस फिल्म का नवरात्रि व्रत विधान का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं तो अभी तक आप फिल्म योगेश्वरी के पिछले भागों में सभी प्रकार की विधि विधान सिद्धि के प्रावधान और वो सब आप सुन चुके हैं देख चुके हैं अब हम यहाँ पर ये जो नवरात्रि विधि का जो विधान दिया है श्रीमद देवी भागवत में मार्कंडीय पुराण में तथा अन्य ग्रंथों में उसको हम ज्यों का त्यों यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे और इसको चूंकि चार हिस्सों में अलग अलग प्रकार से बताएंगे। पहले तो जो शास्त्र में ग्रंथ में जो इसका विधान दिया है पहले उसका वर्णन करेंगे फिर उसके उपरांत आपको बताएंगे कि भगवान श्री राम को नवरात्रि का व्रत क्यों करना पड़ा और उन्होंने रावण पर कैसे विजय पाई वहाँ पर देवी ने कैसे उनकी सहायता की उस वृत्तांत का और उस कथा का भी हम अपनी अगली फिल्म में वर्णन देंगे और इसके अलावा देवी का जो अन्य एक विधान है वो तो हमारी एक पिछली फिल्म में जा चुका है और आप उसे देख चुके हैं सुन चुके हैं नवरात्रि विधान पर हमारी एक पिछली फिल्म मौजूद है और इसमें जो देवी का षोडशोपचार पूजन होता है वो षोडशोपचार पूजन की विधि हम पहली बार यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे तो देवी की षोडशोपचार पूजन की जो विधि है वो प्रथम बार यहाँ पर हम अपनी फिल्म में प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके उपरांत जो मूर्ति के रहस्य हैं व्यकृतिक प्रधान रहस्य हैं उनका भी यहाँ पर हम वर्णन प्रस्तुत करेंगे तो लीजिए आप सुनिए कि शास्त्रों और ग्रंथों में नवरात्रि व्रत के विधान का वर्णन किस प्रकार से किया गया है और किस प्रकार से इसको किया जाता है क्या आज्ञाएं हैं और क्या विधान है यह प्रसंग जो है वेद व्यास जी ने और महाराजा जनमेजय सिंह तोमर को सुनाया और महाराजा जन्मे जय सिंह तोमर महाराजा परीक्षत के पुत्र थे और महाराजा परीक्षत अभिमन्यु के पुत्र थे और अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे चूंकि ये पूरी वृतान्त कथा स्वयं हमारे खुद के वंश को बताई और सुनाई गई है और जो वो शास्त्र में उल्लेखित है और वो है उसी का वर्णन हम यहाँ उच्चारण प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हीं शास्त्रों और ग्रंथों से जो का जन्मे जय सिंह तोमर ने पूछा व्यास जी से कि हे द्विजर नवरात्रि आने पर क्या करना चाहिए विशेष करके शरतकाल के नवरात्रि का क्या विधान है इसे विधिपूर्वक बताने की कृपा करें विप्रवर आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है मुझे विस्तार के साथ यह बतलाइए कि नवरात्रि व्रत करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए तब व्यास जी बोले हे राजन कल्याणप्रद नवरात्र व्रत के विषय में कहता हूं सुनो शरत काल के नवरात्र में जैसे विशेष रूप से विधि पूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए वैसे ही वसंत ऋतु के नवरात्र में भी प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए तो ये जो बसंत ऋतु की नवरात्रि है इसको चैत्र नवरात्रि कहा जाता है ये जो चैत्र नवरात्रि है उसको वसंत ऋतु की नवरात्रि ब्याज जी ने कहकर के पुकारा है संपूर्ण प्राणियों के लिए शरद और वसंत ये दोनों ऋतुएं यमदष्ट नाम से कही गई हैं ये दोनों ऋतुएं जगत के प्राणियों के लिए महान कष्टप्रद हैं अतएव कल्याणकामी पुरुष यत्नपूर्वक अर्चन में तत्पर हो जाएं। वसंत और शरद ये दोनों ही अत्यंत भयंकर ऋतुएं मनुष्यों को रोगी बनाने में कुशल हैं इनके प्रभाव से बहुत से प्राणी प्राणों से हाथ धो बैठते हैं अतव इन ऋतुओं के आने पर पंडित जन को चाहिए कि भग, वे भगवती चंडी की आराधना में संलग्न हो जाएं। हे राजन चैत्र और आश्विन यानी कुवार के पवित्र महीनों में भक्ति पूर्वक यह पूजा होनी चाहिए अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए उस दिन एक ही बार हावस्यान्न का भोजन करे किसी समतल भूमि पर मंडप बनवाए और मंडप सोलह हाथ के विस्तार में बनना चाहिए ये सोलह हाथ का जो वो है विस्तार वर्णन या व्याख्या वो ये है मंडप का परिमाण नौ हाथ लंबा और सात हाथ चौड़ा ये इसको सोलह हाथ कहा जाता है खम्भों और ध्वजाओं से मंडप को सजाया जाना चाहिए सफ़ेद मिट्टी और गोबर से उसे लिब्बा देना चाहिए तदनंतर मंडप के मध्य भाग में एक स्वच्छ समतल वेदी बनानी चाहिए वह वेदी चार हाथ लंबी चौड़ी और एक हाथ ऊंची हो भगवती को पधराने के लिए वही उत्तम आसन होता है सुंदर बंधनवार और चांदनी से उसे सुशोभित करें उसी रात ब्राह्मणों को आमंत्रित करें वे ब्राह्मण देवी के रहस्य को भली भांति जानने वाले सदाचारी संयमशील तथा वेद वेदांग के पारगामी होने चाहिए यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है कि किसी हर एक ब्राह्मण को नहीं बुलाया जा सकता तो जो ब्राह्मण इसमें बुलाए जाने चाहिए उनके लिए व्यास जी ने यहाँ पर निर्देश दे दिया है कि वे ब्राह्मण देवी के रहस्य को भली भांति जानने वाले सदाचारी संयमशील तथा वेद वेदांग के पारगामी होने चाहिए प्रतिपदा के दिन यानि पड़वा जो पड़ती है पड़वा तिथि यानि प्रतिपदा के दिन काल समुद्र नदी सरोवर बावली कुएं अथवा घर पर ही साविध स्नान करें प्रतिदिन के प्रातः काल के जो नियम हों उन्हें पहले कर ले ये नियम हम ये फिल्म योगेश्वरी के पिछले भागों में बता चुके हैं तो आप उनको देखेंगे सुनेंगे तो ये नियम आपको मिल जाएंगे तो व्यास जी यहाँ पर बोल रहे हैं प्रतिदिन के प्रातः काल के जो नियम हों उन्हें पहले कर ले इसके पश्चात ब्राह्मणों का वर्ण करें पाद्य अर्घ्य और आचमनीय से ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार वर्ण में वस्त्र और भूषण आदि का अर्पण करें घर में संपत्ति हो तो कृपणता करना अनुचित है यानी कि घर में संपत्ति है तो कंजूसी बिल्कुल से नहीं दिखाना चाहिए हाथ में मुट्ठी में जितना भी आ जाए फैला के हाथ रखना भरना चाहिए और उसमें जितना भी जो भी आ जाए उसी को ही निकाल देना चाहिए यानी कि कृपणता कंजूसी के लिए यहाँ पर सर्वथा निषेध किया गया है मना किया गया है और इसके बाद संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा ही सम्यक प्रकार से कार्य परिपूर्ण हो सकता है देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है नौ पांच तीन अथवा एक ही ब्राह्मण का वर्ण करे किंतु वह ब्राह्मण शांतिपूर्वक करने वाला हो वैदिक विधि से स्वस्थ्य वाचन करना चाहिए वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करे उस पर भगवती जगदम्बा की प्रतिमा को पधराए भगवती की चार भुजाएं हों और हाथों में आयुध विराजमान हो भगवती रत्नमय भूषणों से सुशोभित हो गले में मोती की माला लटक रही हो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न सौम्य मूर्ति वे देवी दिव्य वस्त्र पहने हों वे कल्याणमयी भगवती सिंह पर बैठी हों और भुजाओं में शंख चक्र गदा एवं पद्म सुशोभित हो रहे हों अथवा आठ भुजा वाली भगवती सनातनी की भी प्रतिष्ठा करने का विधान है भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवार्ण मंत्र से लिखे हुए यंत्र को पूजा के लिए पीठ पर स्थापित कर लेना चाहिए पास में ही कलश स्थापन कर लें। कलश को तीर्थ के पवित्र जल से भरना उसमें सुवर्ण और पंचरत्न छोड़ना तथा पंच पल्लव रखना यह सभी काम वेद के मंत्रों का उच्चारण करके होने चाहिए पास में चारों और पूजा की सामग्री रख ले मंगल के लिए गीत और वाद्य भी करना आवश्यक है तिथि अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है हे राजन पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है उपवास व्रत एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत किसी भी एक व्रत का नियम करने के पश्चात पूजा की व्यवस्था करना चाहिए फिर यो प्रार्थना युक्त तो प्रतिज्ञा करे यानी संकल्प करे प्रतिज्ञा करे संकल्प करे तो, तो शास्त्र में प्रतिज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया कि हे देवी तुम जगत की माता हो मैं उत्तम नवरात्र व्रत करूंगा माता तुम मेरे सभी कार्यों में सहायता करने की कृपा करो नवरात्र व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार नियम पालन करना आवश्यक है तदनंतर विधि के साथ मंत्रोच्चार रण पूर्वक पूजा करना चाहिए चंदन अगूर यानी अगर जो बोलते हैं उसका सही नाम है अगुरू कपूर मदार कमल अशोक चंपा कनेर मालती ब्रह्मपुष्प आदि सुगंधित फूलों तथा सुंदर बेलवपत्रों जो बेल के पत्ते होते हैं बेलपत्र बेलुपत्रों एवं धूप दीप से भगवती जगदम्बा की पूजा करें अनेक प्रकार के फलों का भोग लगाए अर्घ्य देना परम आवश्यक है नारियल नींबू अनार केला नारंगी और कटहल आदि सभी फलों से देवी की अर्चना करें। हे राजन फिर भक्तिपूर्वक अन्न भोग लगाना चाहिए हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है किंतु वह भी त्रिकोण ही हो प्रतिदिन भांत भांत के मनोहर द्रव्यों से प्रातः संध्या और मध्यान्ह तीनों समय में भगवती की पूजा करे गाकर बजाकर और नाचकर बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाना चाहिए नीचे भूमि पर सोना चाहिए दिव्यस्त्र भूषण और अमृत के समान मधुर भोजनादि से कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए पहले दिन एक कन्या की पूजा करें फिर प्रतिदिन क्रमशः एक एक कन्या को बढ़ाते जाएं, दूसरे दिन दो की तीसरे दिन तीन कन्याओं की इस प्रकार नवे दिन नौ कन्याओं का पूजन होना चाहिए अपने धन के अनुसार पूजन में खर्च करना चाहिए हे राजन शक्ति रहते हुए यज्ञ में धन की कृपणता करना यानी कंजूसी करना अत्यंत निषिद्ध है हे राजन पूजा विधि में एक वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेना चाहिए क्योंकि गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से वह बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम दो वर्ष की हो चुकी हो तीन वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति और चार वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं पांच वर्ष वाली को रोहिणी और छह वर्ष वाली को कालिका सात वर्ष वाली को चंडिका और आठ वर्ष वाली को शाम्भवी और नौ वर्ष वाली को दुर्गा और दस वर्ष वाली को सुभद्रा कहा गया है इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या की पूजा नहीं करना चाहिए वह सभी कार्यों में निंद मानी जाती है निंद यानी कि निंदा योग्य या अनुचित मानी जाती इन्हीं नामों से विधि पूर्वक पूजन करें उन नवों कन्याओं के पूजन का फल भी बतलाया है दुख और दारिद्र्य के शमन के लिए कुमारी की पूजा करना चाहिए इस पूजन से शत्रु का शमन और धन आयु एवं बल की वृद्धि होती है भगवती त्रिमूर्ति की पूजा से त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ और काम की सिद्धि मिलती है साथ ही धन धान्य का आगमन एवं पुत्र पौत्रों का संवर्धन भी होता है जिस राजा को विद्या विजय राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा हो वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करें शत्रु का समन करने के लिए भगवती कालिका की भक्तिपूर्वक का आराधना करनी चाहिए भगवती चंडिका का पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है हे राजन किसी को मोहित करने दुख दारिद्र्य को हटाने तथा संग्राम में विजय पाने के लिए भगवती श्याम्बावी की सदा पूजा करनी चाहिए किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संघार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए इनकी भक्ति पूर्वक पूजा करने से पारलौकिक सुख भी सुलभ होता है मनोरथ की सफलता के लिए भगवती सुभद्रा की सदा उपासना होनी चाहिए मानव रोग नाश के लिए रोहिणी की निरंतर पूजा करें भक्ति भाव से संपन्न होकर श्रीरस्त या श्रीयुक्त मंत्र अथवा बीज मंत्र से पूजा करने का विधान है मंत्रार्थ इस प्रकार है जो स्कंद के तत्वों एवं ब्रह्मादि देवताओं को भी लीला पूर्वक रचना करती है उन कुमारी देवी की मैं पूजा करता हूं जो सत्व आदि तीन गुणों से तीन रूप धारण करती है जिनके अनेकों रूप हैं तथा जो तीनों कालों में व्याप्त हैं उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ निरंतर सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करना जिनका स्वभाव ही है उन संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की मैं पूजा करता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों के संचित बीजों का रोहण रोपण करती हैं उन भगवती रोहिणी का मैं उपासना करता हूं कल्प के अंत में चराचर सहित अखिल ब्रह्मांड को जो अपने में विलीन कर लेती हैं उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ जिनका रूप अत्यंत प्रकाशमान है जो चंड एवं मुंड का संहार करने वाली हैं तथा जिनकी कृपा से घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ वेद जिनके स्वरूप हैं वे ही वेद जिनके प्राकट्य के विषय में कारण का अभाव बतलाते हैं तथा सबको सुखी बनाना जिनका स्वाभाविक गुण है उन भगवती श्याम्बी की मैं पूजा करता हूँ जो भक्त को सदा संकट से बचाती हैं दुख दूर करने में जिनका मनोरंजन होता है तथा देवता लोग भी जिन्हें जानने में असमर्थ हैं उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ जो सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करने में सदा संलग्न रहती हैं उन अशुभ विनाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूं पंडित जन इन्हीं मंत्रों से कन्याओं की पूजा करें वस्त्र भूषण माला और चंदन आदि श्रेष्ठ वस्तुओं से पूजन करना चाहिए इसके लिए जो श्लोक है यहाँ पर हम उसका उच्चारण कर रहे हैं तो वो श्लोक है वो ग्रंथ और शास्त्र के अनुसार वही है कुमार चाहस्या कालीनपिस्ता कुमारी पूजयाम्यमह सत्वादिस्त्री मूर्ति नाना स्वरूपिणी त्रिकाल व्यानी शक्तिमूर्तिम पूजयाम्यहम कल्याणकारिणी नित्यं भक्ता भक्ता पूजिता निशम पूज्या चतो भक्तिया कल्याणी सर्वकामद जबीजान बीजा प्राग्जन्म संचिता वै या देवी सर्वूता रोहिणी पूजयाम्य काली काल्यते सर्व ब्रह्मांड सचराचरम कलपांत समय या तम कालिकोम पूजयाम्यहं चण्डिकाम् चण्डरूपां च चण्डमुण्डविनाशिनीं तां चण्डपापहारिणीं चण्डिकाम् पूजयाम्यहम् अकारणात् समुत्पत्तिर्नरे परिकीर्तिता यस्यास्तां सुखदां देवीं शाम्भवीं पूजयाम्यहम् दुर्गात् त्रायति भक्तं या सदा दुर्गतिनाशिनी दुर्गे या ताम दुर्गाम पूजयाम्यहम सुभद्राणी च नाम कुरते पूजिता सदा अभद्रनाशिनी देवीं सुभद्रा पूजयाम्य अब इसके बाद व्यास जी कहते हैं जिसके शरीर में किसी अंग की कमी हो या जिसके अंग में कहीं छिद्र हो तथा जो दुर्गंध युक्त एवं नीच कुल में उत्पन्न हुई हो ऐसी कन्या को पूजा में नहीं लेना चाहिए यहां पर जी, जिस कन्याओं का निषेध कर दिया है जो कि इसमें पूजा में नहीं बुलाई जा सकती या इनको पूजा नहीं करना चाहिए तो ये उनके गुण बताए कि जिसके शरीर में किसी अंग की कमी हो जिसके अंग में कहीं छिद्र हो तथा जो दुर्गंध युक्त एवं नीच कुल में उत्पन्न हुई हो ऐसी कन्या को पूजा में नहीं लेना चाहिए जन्म से अंधी तिरछी नज़र से ताकने वाली कानी कुरूपा बहुत रोम वाली यानी जिसके बहुत बाल होते हैं शरीर पे और बहुत रोम होते हैं रोगिणी तथा रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग कर दे जो अत्यंत दुर्बल हो जिसकी एक वर्ष के भीतर ही उत्पत्ति हुई हो विधवा स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो तथा विवाह से पहले ही माता जिसे जन्म दे चुकी हो ऐसी कन्याएं संपूर्ण पूजाओं में त्याज्य हैं किसी प्रकार के रोग से रहित श्रेष्ठ रूप वाली सुंदरी छिद्र रहित तथा अपनी माता एवं पिता से उत्पन्न कन्या का ही सम्यक प्रकार से पूजन करना चाहिए सभी कार्य की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या युद्ध में विजय पाने के लिए क्षत्रिय की कन्या तथा व्यापार में लाभ के लिए वैश्य अथवा शूद्र की कन्या का पूजन करना चाहिए ऐसी मान्यता है ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या का पूजन करें वैश्य के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों की कन्या का पूजा करने का विधान है और शूद्र के लिए चारों वर्णों की कन्या पूजनी है शिल्प कर्म करने वाले मनुष्य यथा योग्य अपने अपने वंश की कन्याओं का पूजन करें नवरात्र विधि से भक्तिपूर्वक निरंतर पूजा होनी चाहिए यदि नवरात्र में प्रतिदिन पूजा करने में आप असमर्थ हैं तो अष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजन करना परम आवश्यक है प्राचीन समय की बात है दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाली भगवती भद्रकाली का अवतार अष्टमी को हुआ था उनकी आकृति बड़ी भयंकर थी उनके साथ करोड़ों योगिनियां थीं अतः बांत बांध के उपहारों गंध एवं मालाओं द्वारा अष्टमी को विशेष विधान के साथ भगवती का निरंतर पूजा करनी चाहिए उस दिन हविष्य हवन ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प का उपहार दान आदि कार्यो से भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करें हे राजन यदि पूरे नवरात्र में उपवास व्रत न कर सकता हो तो तीन दिन उपवास करने पर भी मनुष्य यथोक्त फल का अधिकारी हो जाता है ऐसा कथन है सप्तमी अष्टमी और नौमी इन तीन रातों में उपवास करके देवी की पूजा करने से सभी फल प्राप्त हो जाते हैं देवी पूजन हवन कुमारी पूजन और ब्राह्मण भोजन इन चार कार्यों के संपन्न होने से सांगोपांग नवरात्र व्रत पूरा होता है ऐसी उक्ति है जगत में अन्य जितने व्रत एवं विविध प्रकार के दान है वे इस नवरात्र व्रत की तुलना में कदापि नहीं कर सकते जितने भी प्रकार के व्रत और दान है नवरात्र व्रत की तुलना वे कदापि नहीं कर सकते क्योंकि यह व्रत धन एवं धान्य प्रदान करने वाला सुख और संतान बढ़ाने वाला आयु और आरोग्य वर्धक तथा स्वर्ग और मोक्ष तक देने में समर्थ है अतव जिसे विद्या धन, जिसे विद्या धन या पुत्र पाने की इच्छा हो वह मनुष्य सौभाग्यदायी मंगलमय व्रत का विधिवत अनुष्ठान करे विद्या की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण विद्याएं सुलभ हो जाती हैं जिसका राज्य छिन गया हो ऐसे नरेश को पुनः गद्दी पर बैठाने की क्षमता इस व्रत में है यह सर्वथा सत्य है जिन्होंने पूर्व जन्म में इस उत्तम नवरात्र व्रत का पालन नहीं किया है वे ही दूसरे जन्म में रोगी दरिद्र और संतानहीन होते हैं जो स्त्री वंध्या यानी बांझ, विधवा अथवा धनहीन है उसके विषय में भी ऐसा ही अनुमान कर लेना चाहिए कि अवश्य ही इसने पूर्व जन्म में नवरात्र व्रत नहीं किया है जिसने जगत में आकर उक्त नवरात्र व्रत का पालन नहीं किया वह कैसे धनी हो सकता है तथा कैसे उसे स्वर्ग में जाकर आनंद भोगने की सुविधा मिल सकती है जिसने कोमल पत्रों में रक्त चंदन लगाकर उनसे भवानी की पूजा की है वही पृथ्वी पर राजा होता है भगवती कल्याण स्वरूपिणी है इनका कभी जन्म मरण नहीं होता दुख दूर करने में ये सदा तत्पर रहती हैं सिद्धि प्रदान करने वाली ये देवी जगत में से स्रेष्थ सर्व से श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हैं जिस मनुष्य ने इनकी उपासना नहीं की वह निश्चय ही जगत में दुखी शत्रुग्रस्त एवं दरिद्र होता है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूर्य अग्नि वरुण कुबेर एवं इंद्र प्रभृति देवता बड़े हर्ष के साथ जिनका ध्यान करते हैं उन्हीं भगवती चंडिका को मानव क्यों नहीं भसते मनु ने कहा है कि इनके स्वाहा और स्वधा इन नामों का उच्चारण करने से देवता और पितर तृप्त हो जाते हैं इसी से श्रेष्ठ मुनिगण संपूर्ण यज्ञों में हर्षपूर्वक मंत्रों के साथ इसका प्रयोग करते हैं जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करते हैं विष्णु अनेक अवतार धारण करके पालन करते हैं तथा शंकर सृंगार करने में तत्पर होते हैं उन कल्याणदायिनी भगवती को मानव क्यों नहीं भजता नर नाग पक्षी पिशाच राक्षस और देवता इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें भगवती की शक्ति न हो और वह हिलडुल तक सके घर घर की यही स्थिति है मंगलमयी भगवती चंड का संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर देती हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों फलों की अभिलाषा करने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो उन भगवती की उपासना न करे अथवा उनके व्रत से वंचित रह जाए महान से महान पापी भी यदि नवरात्र व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है प्राचीन समय की बात है एक निर्धन वैश्य था वह मान दुखी था हे राजन कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी करवा दिया था उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए थे पर उनकी क्षुदा कभी शांत नहीं होती थी उसके लड़के सायंकाल में किसी प्रकार कुछ भोजन पा पाते थे वैश्य भी जैसे तैसे कुछ खा लेता था भूखे रहते हुए वह सर्वदा दूसरे के कार्य में तत्पर रहता था यो बड़ी कठिनता से कुटुंब का भरण पोषण चलता था उस वैश्य के मन में अपार चिंता रहती थी परंतु वह सदा धर्म में तत्पर रहता था उसकी इंद्रियां शांत थीं, वह बड़ा सदाचारी था कभी झूठ नहीं बोलता था उसके मन में क्रोध नहीं आने पाता था वह सदा धैर्य से काम लेता मन में अहंकार और डा तक नहीं आने देता था देवताओं पितरों और अतिथियों की पूजा करने के पश्चात अपने आश्रित जनों को खिलाकर तब स्वयं कुछ भोजन करता था वह उस वैश्य के प्रतिदिन का नियम था यो उसका समय व्यतीत हो रहा था उत्तम गुणों के कारण उसका नाम सुशील रख दिया गया दरिद्रता से अत्यंत घबराकर उस भूखे वैश्य ने एक शांत मुनि से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है आज मुझ पर कृपा करके ये बताओ कि मेरी दरिद्रता निश्चय पूर्वक कैसे दूर हो सकती है हे मानत मुझे धन की इच्छा नहीं है मैं खूब संपन्न हो जाऊं यह नहीं चाहता हे तुजवर तुमसे पूछने का मेरा इतना ही अभिप्राय है कि कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति मुझ में आ जाए मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते हैं घर में इतना भी अन्न नहीं है कि मैं उन्हें एक एक मुट्ठी भी दे सकूं। रोते हुए मेरे बालक घर से निकल गए मैंने उन्हें त्याग दिया है अतः अब मेरे हृदय में आग सी लग गई है परंतु धन के अभाव में मैं कर ही क्या सकता हूं मेरी लड़की विवाह के योग्य हो गई है मेरे पास धन है नहीं मैं क्या करूं हे द्विजर इसी से मेरा मन चिंता के समुद्र में गोते खा रहा है हे दया निधे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है विप्र अब तुम तप दान व्रत मंत्र एवं जप कोई भी ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने आशित जनों का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सकूं। बस मुझे इतना ही धन चाहिए अधिक धन के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता हे महाभाग तुम्हारी कृपा से अब मेरा परिवार सुखी हो जाए एक कोई उपाय बताओ तब व्यास जी कहते हैं कि हे राजेंद्र इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने वैश्य से कहा वैश्यवर अब तुम श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो इसमें भगवती जगदम्बा की पूजा हवन और ब्राह्मण भोजन कराना होगा वेद का पारायण भगवती के मंत्र का जप और होम आदि सभी कार्य होते हैं किंतु इस समय तुम अपनी शक्ति के अनुसार करो तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा हे वैश्य जगत में इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है इस परम पावन सुखदाई व्रत को नवरात्र व्रत कहते हैं इस व्रत के सर्वदा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तक सुलभ हो जाते हैं सुख और संतान की वृद्धि होती है तथा शत्रु के पैर नहीं टिक पाते भगवान राम राज्य से च्युत हो गए थे यानी राज्य से वंचित हो गए थे उन्हें सीता का वियोग हो गया था उस समय किशकिदा में उन्होंने यही व्रत किया था इस अवसर पर सीता के विरह से भगवान राम अत्यंत संतप्त हो उठे थे उन्होंने नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना की तब उन्हें जनक नंदिनी सीता वापस प्राप्त हुई उन्होंने विशाल समुद्र पर पुल बांधा महाबली रावण और कुंभकर्ण मारे गए रावण कुमार और मेघनाथ की जीवन लीला समाप्त हुई विभीषण को उन्होंने लंका का राजा बनाया इसके पश्चात अयोध्या में आकर निष्कंटक राज्य होगा हे वैश्यवर अमित तेजस्वी भगवान श्री राम को धरातल पर इस प्रकार की सुख सुविधा इस नवरात्र के प्रभाव से ही सुलभ हुई थी व्यास जी कहते हैं हे राजन ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस वैश्य ने उसे अपना गुरु बना लिया साथ ही मायाबीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उनसे दीक्षा ले ली और नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया अनेकों प्रकार के समान य... यथाशक्ति एकत्रित करके उनसे उसने भवानी की आदर पूर्वक पूजा की नौ वर्षों के प्रत्येक नवरात्र में भगवती के मायाबीज मंत्र का वह जप करता रहा नवे वर्ष के नवरात्र में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए साथ ही विविध प्रकार के वर देकर उसे कृत्य कृत कृत्य कर दिया अब यहां पर ये फिल्म पूर्ण होती है और ग्रंथों और शास्त्रों का ये अध्याय पूर्ण होता है इसके उपरांत भगवान श्री राम ने नवरात्र विधि का जो पारण किया था नवरात्र का जो व्रत किया था उसकी कथा अगली फिल्म में हम आपको सुनाएंगे तो ये उच्चारण मैं महाभारत सम्राट महाभारत के अंतिम सम्राट महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की तेईसवीं पीढ़ी और महाभारत के पराक्रमी योद्धा परमवीर योद्धा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा वो भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का वंशज मैंने ये उच्चारण प्रस्तुत किया माँ भवानी आप पर सदा कृपा रखें आपके सदा कल्याण करें इसी कामना के साथ अगली फिल्म में हम आपसे फिर मिलते हैं ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय श्रीकृष्ण जय जय श्रीराधे दं दुर्गायै नम ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय Oh